99 में 184 जो आईसी 184 था वो जब टेरर लोगों ने रोक रखा था और तीन महत्वपूर्ण जो लोग थे उसमें मौलाना अजहर थे प्रमुख और दूसरे दो और उनको छोड़ने के लिए दिल्ली से सही असल में तो ये जो दो लोग कश्मीर में थे उनको प्लेन से लाया गया तब तक हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यहां रुके थे वो लाने के बाद मौलाना अजहर और दूसरे दो लोग उनको साथ में लेके गए और कंधार में छोड़ दिए टेररिस्ट और जब से 99 से उनको छोड़ दे दिया तब से चाहे जैसे मोहम्मद हो या दूसरे संगठन हो उन पर एक विश्वास आ गया कि हम कुछ भी करें तो भारत उनके पास कोई ताकत नहीं है 99 में हल्ला हो गया लाल किला पर हो गया जम्मू कश्मीर के असेंबली पर हो गया और आखिर भारत का सर्वोच्च स्थान है जो पार्लियामेंट वो 13 दिसंबर को अभी अभी उनको श्रद्धांजलि हो गई जो लोगों ने अपना जीवदान दिया था वहां तो वो किस वक्त हो गए थे 99 से लेके दो लाल किला पर जो हल्ला भी हो गया था तो ये चार हल्ले जो महत्वपूर्ण थे वो एनडीए के टाइम हो गए थे वहां तो कभी किसी हम लोगों ने हिंदू टेरर की बात नहीं की थी हमने हमारी तो भूमिका बहुत स्पष्ट है कि टेरर किसी जाति का धर्म का नहीं होता है उसका रंग कोई नहीं होता है लाल होता है या हरा होता है या भगवा होता है आखिर वो दहशतवादी है तो इस तरह का ये बनाव बनाते चलते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं तो ये लोगों को हम समझाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता पे आती है तो ये टेररिज्म इस देश में बढ़ते रहा है अभी अपने पठानकोट में इतना सैन्य है वो एक सेंटर है हमारा प्रमुख और 50,000 से ज्यादा मेरे ख्याल से वहां हमारे सैनिक है वो जब इंटेलिजेंस का आपको इशारा मिला था तभी पूरा एयरपोर्ट कॉर्डन करने का था ठीक है जो बॉर्डर से आए होंगे वो लोग लेकिन एयरपोर्ट पूरा कॉर्डन करके उनको अंदर नहीं आने को देने का था और आप ही कहते हैं कि उनका ये इरादा था कि हमारे सब विमानों को उड़ाने का इरादा था तो ये छोटी बात है समझने की लेकिन नहीं किया उन्होंने बिना कुछ इशारा देके अब्रप्टली गए पाकिस्तान के सरकार को मिलने के लिए नवाज शरीफ को ऐसा कोई मैंने अभी तक मेरे पॉलिटिकल करियर में नहीं सुना है कि कोई प्रधानमंत्री अब्रप्टली वहां किसी देश के प्रधानमंत्री को मिलने के लिए जाता है इसका तो पहले से गुप्त इन्होंने सब रखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री वहां विजिट देना चाहते हैं एक महीने से काम चला होगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की लाइफ की इतनी रिस्क है वो बीजेपी के प्रधानमंत्री है और पाकिस्तान को विजिट करते हैं तो उनकी लाइफ हमारे लिए बहुमूल्य है बहुत कीमती है तो ये काम तो इंटेलिजेंस ने लिया होगा लेकिन दुनिया को बताते वक्त ये कहते हैं कि वहां गए और गए तो गए आए वहां तो कुछ बातें हो गई वो कुछ रिलीज किया कुछ हमें तो मालूम नहीं क्या बातें हो गई ये जब एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री को मिलता है तभी क्या बातें हो गई ये लोगों को देश को बताना जरूरी होता है तभी देश चलता है ये सरकार पूरी फेल हो गई है इस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास कोई यंत्रणा नहीं है यंत्रणा है लेकिन उसे ठीक तरह से काम नहीं लेना चाहते हैं।